हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर बड़ी शॉर्ट डिस्कशन करते हुए हम ब्रेन की जो है जनरल एनाटॉमी को समझने की फटाफट कोशिश करते हैं ओके सो द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कार्ल्ड सैरेब्रम ये सारा जो एरिया है दैट इज सरेब्रम इसको क्या बोला जाता है जी इट इज़ कॉल्ड सैरेब्रम सैरेब्रम का टू सेंटीमीटर एरिया सेरेब्रम का टू सेंटीमीटर जो एरिया है दिस इज़ कार्ड हमारा ये जो एरिया है दिस इज कार्ड सेरेब्रल कॉटेक्स ठीक है ये जो एरिया है दैट इज सेरेब्रल कॉटेक्स इस एरिया का नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ओके ठीक है एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा जो Uh, हमने देखा कॉर्पस क्लोजम कॉर्पस क्लोजम कहां पे प्रेजेंट है कॉर्पस क्लोजम इज प्रेजेंट जस्ट अबब दी वी कैन से दी हमारा ये जो ब्लू एरिया है ये तो आगे वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के ऊपर वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे कॉर्पस क्लोजम द मार्कर इज नॉट वर्किंग नाउ ओके इट इज़ वर्किंग तो ये जो एरिया है ये है कॉर्पस क्लोजम ठीक है कॉर्पस क्लोजम एरिया जो है यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर के साथ हम इसको बना रहे हैं कॉर्पस क्लोजम सो दिस एरिया इज कॉर्पस कलोजम कैलोजम so, ठीक है तो तीनों सी से शुरू हो रहे हैं तो इनको आपने बिल्कुल नहीं भूलना ठीक है तो ये एरिया आ गया हमारा लेटरल वेंट्रिकल जिससे हमारा जो है सी एस एफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है इसके ऊपर हमारी अलग वीडियो है सी एस एफ प्रोडक्शन एंड सी एस एफ सर्कुलेशन ठीक है जी तो आप उसको देख सकते हैं तो लेटरल वेंट्रिकल यहाँ प्रेजेंट है हमारे इसी पार्ट को अब हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंड लेफ्ट हैमिस्फीयर की हेल्प के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं ओके दिस पार्ट इज पोन्स मेडिलबलिंगटा एंड लेफ्ट एंड राइट हेमिसफियर लेफ्ट एंड राइट हेमिसफियर्स ठीक है ये पार्ट जो है दैट इज सेरिबेलम और अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो ब्रेन है वो लेफ्ट एंड राइट हैमिस्फियर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है तो बड़ा ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे ठीक है और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी सेरेब्रल कॉटेक्स ओके सेरेब्रल कॉटेक्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ये सारा जो एरिया है ये क्या है ये है सेरेब्रम ब्रम ये सारा सैरेब्रम ठीक है सैरेबेलम ये वाला एरिया सेरेबेलम नीचे वाला जो सारा एरिया है दैट इज सेरेबेलम ठीक है ओके okay. तो अब यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा कॉर्पस कलोजम ठीक है जी यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्पस कलोजम कॉर्पस कैलोसम ठीक है और ये वाला जो एरिया है दैट इज लेटरल वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल है ये वाला जो एरिया है दैट इज लेटरल वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे सी एस एफ की प्रोडक्शन होती है लेटरल वेंट्रिकल्स लेटरल वेंट्रिकल्स वाला एरिया ये है कॉर्पस क्लोज़म हमने देखा हमने देखा सेरेब्रल कॉटेक्स सेरेब्रल कॉटेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है ऑन दी टू सेंटीमीटर अपर पार्ट ऑफ दी सेरेब्रम तो ये सारा एरिया क्या हुआ ये हुआ सेरेब्रम ठीक है अब आपको काफ़ी कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा लेटरबेंट्री को हमने देखा हमने देखा कॉर्पस कैलोसम राइट ओके जी तो हम अब जो है हमने फोकस करना है वो है इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना है ठीक है अब हम देखेंगे अब हम यहाँ पे कुछ समय के लिए ये हमारी जो सेरेब्रल कॉटेक्स वाली रेड लेयर है इसको भी हटाएंगे सेरेब्रल कॉटेक्स वाली रेड लेयर को मैंने अभी हटाया है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो समझाऊंगा तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ठीक है टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे ऐसे प्रेजेंट हैं हमारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ठीक है जी दीज आर कार्ड इंटरनल कैप्सूल दीज स्ट्रक्चर्स आर कार्ड इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है हमारा इंटरनल कैप्सूल इंटरनल कैप्सूल ठीक है तो इंटरनल कैप्सूल हैं यहाँ पे प्रेजेंट और इंटरनल कैप्सूल के इंटरनल कैप्सूल के बाहर की तरफ यानी कि यहाँ वाली साइड ये वाली साइड बाहर की तरफ जो है प्रेजेंट है हमारा ये पार्ट जो है दैट इज़ वी कैन से बेजल गेंगलिया ये पार्ट कौन सा है बेसल गेंगलिया बेसल गेंगलिया ठीक है टेक्स्ट बुक्स प्लीज़ अपने साथ रखिए डायग्राम्स को आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं ये पार्ट है बेसल गेंगलिया ठीक है जी ये पार्ट है बेसल गैंगलिया और हमने देखा कि सेंटर में प्रेजेंट है हमारे लेटरल वेंट्रिकल सेंटर में प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ये थी कॉर्पस क्लोजम ठीक है ये वाला एरिया कौन सा है एल वी वेंट्रिकल ठीक है तो ये वाला ब्लू पार्ट है हमारा बेसल गेंग्लिया और अब जो एरिया मैं बनाऊंगा उसको आपने ध्यान से देखना है ये वाला जो पार्ट है ये वाला अभी मैं इसको रेड कलर के साथ ड्रा करता हूँ यहाँ पे ठीक है इस पार्ट को इस पार्ट को बोला जाता है थैलमस ठीक है ये पार्ट है हमारा थैलमस ठीक है जी तो बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डायग्राम ऊपर नीचे हो सकती है बट आपने कंसेप्ट समझना है कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है ठीक है थैलमस तो ये पार्ट है थैलमस एंड दिस पार्ट इज बेजल गैंगलिया। अब ध्यान से सुनिए लिसन विद बोथ ईयर्स जो मैं बोल रहा हूँ जिसपे मैं फोकस करने वाला हूँ हमारा जो इंटरनल कैप्सूल है ये इंटरनल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है ये जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है जी यहाँ पे भी हमने ठीक है थैलमस बना देना है ओके और यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट है बेजल गेंग्लिया ठीक है जो स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट है ठीक है मि मिड लाइन जो इधर प्रेजेंट है वही हमारा आ, आ, दूसरी साइड लेफ्ट वाली साइड भी प्रेजेंट है राइट वाली साइड भी प्रेजेंट है ठीक है जी क्लियर है तो हमने देखा कि जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है इंटरनल कैप्सूल के ट्रैक्ट्स हैं लंबे लंबे रेशे हैं नर्व्स हैं इंटरनल कैप्सूल बेसिकली है क्या इंटरनल कैप्सूल असल में नर्व्स हैं ठीक है नर्व्स हैं है जो सेरेब्रल कॉटेक्ट से जो सेरेब्रल कॉटेक्ट से आती हुई हमारी नीचे की तरफ ऐसे कहाँ तक जा रही हैं यहाँ पे आ रही हैं ठीक है बट किसके बीच में से निकल रही हैं इंटरनल कैप्सूल किसके बीच में से निकल रहा है हमने इस बात पे फोकस करना है इंटरनल कैप्सुल बेजल गैंगलिया एंड थैलमस के बीच में से आ रहा है इंटरनल कैप्सूल हमारा बेजल गैंगलिया एंड थैलमस के बीच में से आ रहा है ठीक है इसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सुल इसको बोलते हैं इंटरनल कैप्सुल या फिर इनको बोला जाता है हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट्स ठीक है इनका दूसरा नाम है पिरामिडल ट्रैक्ट्स इनको बोला जाता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स ट्रैक्ट्स का मतलब है रस्ते वो रस्ते जिनके थ्रू ब्रेन की सेरेब्रल कॉटेक्स ब्रेन की सेरेब्रल कॉटेक्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है लिंक बना के रखती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक बना के रखती है अब हमारे हाइपोथेलपस पे आके हाइपोथेलमस पॉइंट पे आके ये है थैलमस ठीक है यहाँ पे पड़ा है हाइपोथेलमस ये वाला जो पॉइंट है दिस इज हाइपोथेलमस तो यहां पे आके हमारी ये जो हमारी ऐसे ठीक है इनको बहुत ध्यान से देखिए हमारी जो ट्रैक्ट्स हैं हाइपोथैलेमस पॉइंट पे आके हमारी जो ट्रैक्ट्स हैं ऐसे ये हो जाती हैं क्रॉस ये क्या हो जाती हैं ये क्रॉस कर जाती हैं और डेकसेशन इसको बोला जाता है ठीक है बुक में वर्ड यूज़ किया गया डेकसेशन डी ई -E सी यू डबल एस ए टी आई ओ एन डेकसेशन या फिर क्रॉसिंग क्रॉसिंग ऑफ हमारे ट्रैक्ट्स पिरामिड ट्रैक्ट्स की यहाँ पे आके क्रॉसिंग हो जाती है यहाँ पे आके क्रॉसिंग हो जाती है और उसके बाद हमारे ये ट्रैक्ट्स नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं ओके और हमारे जैसे ही ऑर्गन की ज़रूरत होती है यहाँ से ऐसे निकल के यहाँ पे मसल बना हुआ है ठीक है यहाँ पे कोई मसल पड़ा है ऑर्गन है टारगेट ऑर्गन है ओके ठीक है जी तो यहाँ पे ऐसे आके इनको अपनी जो है मैसेज कन्वे कर रही हैं इनको आके मैसेज जो है कन्वे कर रही हैं ठीक है जी क्लियर है अभी तक यहाँ तक ओके इट इज़ वर्थ रिपीटिंग आई एम गोइंग टू रिपीट इट प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली हम अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं दैट इज़ हमारा कॉर्पस कलोजम हमने देखा हमने देखा ये सारा एरिया सेरेब्रम सेरेब्रम का ऊपर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा सेरेब्रल कॉटेक्स दो सेंटीमीटर थिक ओनली ओके राइट और हमारे सेंटर में है लेफ्ट वेंट्रिकल्स सॉरी लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, uh, हैं जहाँ पे सी एस एफ बन रहा है अब हमारे सेरेब्रम में अब हमारे लेफ्ट सेरेब्रम और राइट right सेरेब्रम में क्या हो रहा है दैट देर इज प्रेजेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है बेजल गेंगलिया और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसको बोला जाता है थैलमस उसको बोला जाता है थैलमस दूसरी साइड भी यही डिज़ाइन है यही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं अब हमने जिस बात पे फोकस करना है उसको समझिए ठीक है हमारी जो इंटरनल कैप्सुल नर्व्स हैं इंटरनल कैप्सुल की नर्व्स हैं यहाँ से सेरेब्रल कॉटेक्स से स्टार्ट होती हुई हमारी जो है पिरामिड ट्रैक्ट्स हैं रस्ते हैं ठीक है यहाँ पे इनका मीनिंग है रास्ता इनका मीनिंग है रस्ता रास्ता बनाना ट्रैक्ट्स बनाना ठीक है जी तो हम देख रहे हैं हमारे पिरामिड्स जो ट्रैक्ट्स हैं आ रहे हैं किसके बीच में से बेजल गैंगलिया एंड थैलमस बेजल गैंगलिया एंड थैलमस से होते हुए यहाँ से ये हाइपोथेलमस पे आके हाइपोथेलमस पे आके ये डेकोसेट कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं ये वाला जो हमारा ल, र, अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये राइट right हमारा पार्ट को ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ठीक है ये वाला जो है इसको कंट्रोल कर रहा है ठीक है जी और ये वाला जो है हमारा राइट व हेमिस्फीयर ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को स्टडी कंट्रोल uh, कर रहा है ठीक है इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं ओके लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर माई स्टूडेंट्स राइट और बड़ा कर देते हैं ठीक है सो दैट ईजीली समझ आ जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट ग्रे मैटर एच शेप तो यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से ऐसे आ रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है यहाँ पे ठीक है और यहाँ से जो पार्ट है वो आ रहा है किधर इधर से ऐसे ठीक है अब यहाँ से जा रहे हैं बाहर इधर की तरफ हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन इसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं है तो नर्व है बट बोला इसको न्यूरॉन जाता है है तो नर्व है जी बट बोला इसको क्या जाता है इसको बोला जाता है, बोला जाता है नर्व न्यूरॉन uh, ठीक है तो इस तरह हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट right पार्ट को कंट्रोल कर है बॉडी को और जो राइट right हेमिस्फीयर है दैट इज़ कंट्रोलिंग दी लेफ्ट पार्ट यानी जो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है हमारे हेमिसफियस का ये इधर वाली साइड को कंट्रोल कर रहा है चाहे वो लेग है चाहे वो हमारी आर्म्स हैं और ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ कंट्रोलिंग दिस पार्ट ऑफ द बॉडी अपर लिंब एंड लोअर लिब तो हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट्स तो हमने फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट्स को समझा और जाना ये कहाँ से निकल रहे हैं बेजल गेंग्लिया एंड थैलमस के बीच में से ठीक है ये हमारा है थैलमस ओके इसको बाहर लेके आते हैं ये है हमारा बेजल गेंग्लिया बेजल गेंग्लिया के बीच में से निकल रहे हैं हमारे बेजल गेंगलिया के बीच में से निकल रहे हैं हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट्स ठीक है पिरामिडल ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं अब कुछ अब कुछ जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं अब जो कुछ पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, हैं वो इन दोनों के बीच में से नहीं निकलते ध्यान से सुनिए प्लीज़ अब कुछ जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं रस्ते हैं नर्व्स हैं वो इन दोनों के बीच में से नहीं निकलते बेजल गैंगलिया एंड थैलमस के बीच में से नहीं निकल रहे ये निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर से यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करें ठीक है इसको ऐसे करें तो ये जो हमारे आ, हमारे ट्रैक्ट्स हैं ये यह यहाँ से गुजर रहे, है। यह रहे हैं है? यहाँ से गुज़र रहे हैं ठीक है यहाँ से गुजरते हुए हमारे बेजल गैंगलिया के पास से चले जाते हैं बेजल गैंगलिया के पास से चले जाते हैं ठीक है बाहर से ये अंदर से है दोनों के बीच में से ये बाहर से ठीक है ये बाहर से हैं ठीक है जी इन ट्रैक्ट्स को इन रस्तों को इन नर्व्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा यानी बाहर से एक्स्ट्रा पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स ओके तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं ये बॉडी में बॉडी मूवमेंट पोस्चर बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए रोल प्ले करते हैं फॉर दी बॉडी मूवमेंट बॉडी की मूवमेंट एंड पोस्चर के लिए बहुत इम्पॉटेंट रोल प्ले करते हैं अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कुछ ड्रग्स जो हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल हमारे जो ट्रैक्ट्स एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ ड्रग्स हमारे इफ़ेक्ट कर सकते हैं साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ठीक है जिसके कारण पेशेंट की बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर के ऊपर असर पड़ेगा बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसीलिए इन दवाइयों इन ड्रग्स के कारण जो साइड इफेक्ट सामने आते हैं जो साइड इफेक्ट पैदा होते हैं दैट साइड इफेक्ट आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स उनको क्या बोला जाता है ई पी एस एकाथीजिया एकाइनेजिया डिस्काइनेजिया ठीक है लाइक like एकाथीजिया ठीक है जी डिस्काइनेजिया जो है यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण अब नॉर्मल जो है शेकिंग है चलने फिरने में प्रॉब्लम होना प्रॉपर पोस्चर ना बना के बैठ पाना तो ये सारे सिम्टम्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं एक्स्ट्रा पिरामिड से आ रहे हैं ठीक है दैट इज़ वाई दीज आर कार्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ओके तो अब तक हमने क्या सीखा अब तक हमने सीखा कि हमारा जो ब्रेन है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर है इसमें से इंटरनल कैप्सूल आ रहा है ठीक है ट्रैक्ट्स आ रहे हैं और ये ट्रैक्ट्स क्या कर रहे हैं ये ट्रैक्ट्स यहाँ पे आके क्रॉस कर रहे हैं कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ये क्रॉस कर रहे हैं हमारे बेजल गैंगलिया एंड थैलमस के बीच में से और हाइपोथैलमस पॉइंट पे आके ये क्या कर रहे हैं डेकसेट कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं और राइट हैमिस्फियर ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग लेफ़्ट पार्ट ऑफ़ बॉडी एंड लेफ्ट हैमिस्फियर इज कंट्रोलिंग दी राइट पार्ट ऑफ दी बॉडी ओके ऑल राइट यहाँ तक सभी को क्लियर है एनी डाउट और जो हमारे ट्रैक्ट्स जो नर्व्स इनको बाहर से क्रॉस कर रही हैं दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स इनको बोला जाता है और जो मेंटल हेल्थ की ड्रग्स हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स पे इफ़ेक्ट कर रही हैं जिसके कारण पैदा होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पैदा होते हैं ठीक है जी विच विल यू रीड इन थर्ड ईयर बी एस सी नर्सिंग एंड जी एन एम सेकेंड ईयर और हमारे एम एस सी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है इट इज़ ऑल्सो आस्कड इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड ऑल्सो द बेसिक पॉइंट फॉर द एनकलैक्स आर एन एग्जाम तो हमने देखा कि कैसे हमारे जो ड्रग्स हैं वो एक्स्ट्रा पिरामिडल और हमारे जो हैं सिम्टम्स हैं हैंज़िया एकाइनेजिया को प्रोड्यूस करते हैं सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेजल गैंगलिया। सो लेट्स हैव ए ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक प्लीज़ रिमेन इन द क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बेजल गेंग्लिया